हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीके गुरुजी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सौर ऊर्जा, हरित ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा के बारे में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अगर आपने इससे पहले की वीडियो अगर नहीं देखी है तो उसे जाकर देखिए, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को एक बार अगर देख लेंगे तो जो भी बात मैं इस वीडियो में आपको बताना चाह रहा हूँ वो आप आसानी से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर बात करें सौर ऊर्जा के बारे में, तो इसके लिए राजस्थान सरकार ने पावर पैक योजना चलाई थी 2005 में। विश्व में अगर इसकी सर्वाधिक संभावना देखें तो पहले स्थान पे आता है अमेरिका, दूसरे स्थान पे आता है राजस्थान। और अगर भारत के अंदर भी इसकी अगर सर्वाधिक संभावना देखें तो पहले स्थान पे आता है राजस्थान और सेकेंड स्थान पे आता है गुजरात। अगर इन दोनों ही स्थानों का अगर अनुपात निकालें तो लगभग 75% जो ताप की आवश्यकता है सौर ऊर्जा के लिए वो इन दोनों राज्यों से ही पूर्ति हो सकती है। अब बात करते हैं सौर ऊर्जा नीति की। राजस्थान के अंदर सौर ऊर्जा नीति कब आई थी? तो वो आई थी लगभग 2014 के अंदर। इसके अंदर 25,000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था। 1 मेगावाट के संयंत्र पर भूमि परीक्षण की आवश्यकता नहीं होती, मतलब अपन को कुछ भी करवाने की जरूरत नहीं है। अपन 1 मेगावाट तक के प्लांट कभी भी अपने खेत या छत के ऊपर कभी भी लगा सकते हैं। उसके बाद आती है रूफ टॉप योजना पर बल दिया गया है। इसके अंदर सरकार ने 30% सब्सिडी दे रही है। अगर आप अपने खेतों में या अपने घरों के अंदर सोलर पैनल लगवाते हैं तो भारत सरकार या राजस्थान सरकार आपको 30% सब्सिडी उसमें देती है। उसके अलावा जो आज के अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात अगर देखें तो रिसर्जेंट राजस्थान जो हुआ था अभी पिछले साल, उसके अंदर सर्वाधिक निवेश भी सौर ऊर्जा के ऊपर ही किया गया था। एमओयू हुए थे, एमओयू पे जो हस्ताक्षर होते हैं वो सर्वाधिक सौर ऊर्जा के ऊपर ही हुए थे, ऊर्जा में हुए थे और ऊर्जा के अंदर भी सौर ऊर्जा के ऊपर हुए थे। और अब बात करें कि सौर ऊर्जा के लिए तो सीज एक जोन है, उसका नाम सीज दिया गया है सोलर एनर्जी इंटरप्राइजेस जोन, जो जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर के अंदर स्थापित किए गए हैं। केंद्र सरकार के अनुसार सोलर सिटी कौन कौन सी बनाई गई है? तो जयपुर, जोधपुर और अजमेर, इन 3 जगहों को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। उसके बाद अगर प्रथम सौर ऊर्जा फ्रीज अगर बात करें तो बालेसर, जोधपुर के अंदर स्थापित है। उसके बाद प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र मुथानिया, जोधपुर, ये रिलायंस के सहयोग से लग रहा है। एक और लग रहा है केंद्र, राज्य प्लस जर्मनी, इन तीनों के सहयोग से है, खीवसर नागौर के अंदर। ये भी एक तरह से काफी बड़ा संयंत्र है जो केंद्र, राज्य और जर्मनी के सहयोग से लग रहा है। और अगर बात करें इसके बाद तो सौर ऊर्जा पार्क की, तो वो है भड़ला जोधपुर के अंदर। उसके बाद चर्चित संयंत्र जो रहे हैं वो है रावरा जोधपुर के अंदर है और लोद्रवा जैसलमेर के अंदर है। तो दोस्तों, अब अगर हम बात करें पवन ऊर्जा के बारे में, तो जो पवन ऊर्जा नीति आई थी वो आई थी 2012 के अंदर और इसको संशोधित किया गया है 2014 में। अगर हम पश्चिमी राजस्थान में पवन ऊर्जा का बैक, अगर पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो जैसलमेर है, जोधपुर है, बाड़मेर है, ये 4-5 जिले हैं जिनमें पवन का बैक सर्वाधिक होता है। अतः पवन ऊर्जा की अगर सर्वाधिक संभावना देखें तो इन्हीं राज्यों के अंदर है, जिसके अंदर अगर फर्स्ट स्थान पर अगर हम देखें तो तमिलनाडु आता है और 5वें स्थान पर आता है राजस्थान। उसके बाद आते हैं पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ कहाँ स्थापित किए गए हैं। तो दोस्तों, अमर सागर ये है, सरकारी है। उसके बाद बड़ा बाग है जैसलमेर के अंदर, वो एक निजी संयंत्र है। उसके बाद है कोडियार जैसलमेर के अंदर, रेलवे का, ये रेलवे का है, जो कोडियार है वो रेलवे का है, 26 मेगावाट का इसका उत्पादन है। उसके बाद ये देश का सबसे बड़ा संयंत्र भी है, अगर रेलवे की बात करें तो सबसे बड़ा संयंत्र भी है ये। उसके बाद आता है बायोमास। तो दोस्तों, राजस्थान बायोमास ऊर्जा नीति 2015 और 16 में आई थी। सर्वाधिक बायो ऊर्जा है उदयपुर के अंदर, क्योंकि अगर अपन देखें बायो ऊर्जा तो गैस है, गैस बायोगैस वगैरह ये होती है ना, उससे प्राप्त होती है। तो जानवर भी उधर ही अपने उदयपुर नीचे मारवाड़ की तरफ, तो वहां पे बायोमास उदयपुर हो गया। बायो ऊर्जा की अगर सर्वाधिक संभावना देखें तो पश्चिमी राजस्थान में है, क्योंकि पशुपालन भी उधर सर्वाधिक होता है। और अगर हम बात करें कचरे से अगर बिजली उत्पादन की, तो नानीगांव सीकर के अंदर है, पदमपुर, गंगानगर, चावल के छिलकों से बायो ऊर्जा प्राप्त की जाती है। उसके बाद खेडली, अरवल, सरसों की पूड़ी जो आती है ना, सरसों को काटने के बाद जो पूड़ी बचती है उससे भी ऊर्जा बनाई जाती है। और दोस्तों, उसके बाद है भूगर्भीय तापीय ऊर्जा के बारे में, तो इसको जियोथर्मल पावर भी बोलते हैं। तो ये कोसलू होडू, ये जगह का नाम है, बाड़मेर के अंदर है। यहाँ पर ये इस मेथड से जो भूगर्भीय ऊर्जा है इससे ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद अगर कोल बैनल मेथड, तो ये बीकानेर के अंदर इसकी सर्वाधिक संभावनाएं हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं पेट्रोल और हाइड्रोकार्बन की तरफ। तो दोस्तों, अगर पेट्रोल की अगर सर्वप्रथम खोज की बात करें तो विश्व में हुई थी रोमानिया में, जो है अमेरिका और यूएई, और दूसरा है भारत आता है। उसके भारत है माकुम, आसाम, आसाम के अंदर है, माकुम जगह का नाम है ये, मुंबई हाई एक,
एक तो माकूम असम के सर्वाधिक खोज हुई थी, उसके बाद है मुंबई हाई और राजस्थान, उसके बाद है सादेवाला। राजस्थान के अंदर अगर देखा जाए तो सादेवाला जैसलमेर के अंदर और दूसरा है बाड़मेर के अंदर, ठीक है दोस्तों। और अगर हम बात करें राजस्थान के अंदर तो एक बेसिन है रागेश्वरी, वो सरस्वती रागेश्वरी बेसिन, गांव है कसाब, जोगासर, नगाना और बायतू। ये चार जिले ऐसे हैं जो कई बार एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, कभी इनकी सीरीज आ जाती है, कभी जैसे इनमें से तीन दे दिए एक अलग कर देते हैं, कोई भी इनमें से नाम पूछ लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुओं के नाम जो है वो है मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, NBA, ये भी कई बार पूछा गया है। उसके बाद उत्खनन कंपनी जो इस जगह से उत्खनन करती है पेट्रोलियम का, वो है केरियन, केयर्न एनर्जी, ये स्कॉटलैंड की कंपनी है। उसके बाद है विपणन कंपनी ONGC इंडिया, जो विपणन करती है मतलब बांटती है। उसके बाद रिफाइनिंग, जो इसका रिफाइन करती है वो है HPCL, पचपदरा में इसकी मिल है। उसके बाद खनिज एवं पेट्रोलियम विश्वविद्यालय जोधपुर और बाड़मेर के अंदर स्थापित किए गए हैं। और दोस्तों अगर गैस की बात करें तो जो गैस निकली है हमारे राजस्थान के अंदर वो है, जिला है इसका जैसलमेर, गांव है घोटारू, लंगतला, सहागढ़। भारत की सबसे बड़ी है ये वाली, जो सहागढ़ के अंदर है ये भारत की सबसे बड़ी गैस वो है। उसके उत्खनन की बात करें तो फोक्स है, फ्रांस की कंपनी है फोक्स, वो इसका उत्खनन उत्खनन कंपनी। और विपणन कंपनी की बात करें तो गेल इंडिया लिमिटेड है। और अगर गैसीय विद्युत परियोजनाओं की बात करें तो अंता और बारा के अंदर इसका संयंत्र है, केंद्र सरकार का है ये पूर्ण रूप से, और राज्य सरकार का भी इसमें कुछ सहयोग है। उसके बाद अगर बात करें राज्य के अंदर तो रामगढ़ जैसलमेर के अंदर है। उसके बाद है धौलपुर, केशोरायपाटन, बूंदी, ये निजी है पूर्ण रूप से, ये वाला निजी है। और जो अंता बारा वाला है ना ये पूरा केंद्र सरकार का, केंद्र सरकार। उसके गैस पाइपलाइन की बात करें तो जयपुर और कोटा के अंदर पाइपलाइन डल रही है। उसके गैस वितरण कंपनी की बात करें तो उज्ज्वला योजना, अगर आपने वर्तमान अगर पिछले लास्ट ईयर अगर आपने देखा हो तो नरेंद्र मोदी जी ने उज्ज्वला योजना की घोषणा की थी, जिसके अंदर जो भी मतलब ग्रामीण इलाके हैं उनके अंदर जो गैस गैस सिलेंडर है उनको पहुंचाने की एक पहल की थी, जिसे दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी GK की वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लाता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।